मैडम के महिला मंडल के एक भ्रष्टाचारी विभाग पर कालिक पोतने वाली उमरिया जिले की आबकारी अधिकारी मैडम रिनी गुप्ता के चर्चे तो अब आम हो गए हैं। मैडम अब हर अखबार की सुर्खियों में बनी हुई है, और वो भी क्यों ना, अपने आकाओं के दम पर मलाईदार सीट पर पोस्टिंग लेने वाले हर अधिकारी की पांचों उंगलियां घी में ही रहती है, लेकिन पाप का घड़ा कभी ना कभी जरूर भरता है, और जब भी फूटता है तो अपने आसपास सबको ले डूबता है। फिर रिनी मैडम के कार्य कारनामों की तो लिस्ट ही निराली है, आइए आपको जरा विस्तार से बताते हैं। उमरिया के जिला आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता को लोकायुक्त पुलिस ने 1,20,000 की रिश्वत लेते मंगलवार को गिरफ्तार किया। उनकी यहां पहली पोस्टिंग थी। मैडम ने रिश्वत लेने का ऐसा सिस्टम बनाया कि शराब ठेकेदार तक तंग आ गए थे। मैडम को रिश्वत लेते हुए पकड़ना तो इतना आसान नहीं था, उन्होंने ट्रैप से बचने के पूरे बंदोबस्त कर रखे थे। मोबाइल फोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अपने चैम्बर में वे किसी को भी एंट्री नहीं देती थी। यहां 9 शराब ठेकेदार काम करते हैं। मैडम हर ठेकेदार से 80,000 रुपये महीना लेती थी। आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता 2 लेवल पर रिश्वत लिया करती थी, पहली VIP और दूसरी पर्सनल। VIP से आशय है कि ऊपर के अफसरों तक पहुंचाई जाने वाली रकम, और पर्सनल यानी कि खुद के हिस्से की रकम, लेकिन इसके भी रेट बहरे से तय थे। एक शराब दुकान से 30,000 रुपये महीने का टारगेट VIP का था। मैडम अपने हिस्से के 50,000 रुपये लेती थी। मैडम को दी गई तारीख पर रिश्वत की रकम पहुंचना बहुत ज़रूरी होती थी, जिससे इसमें आनाकानी या देरी करने पर उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता था। शराब ठेकेदारों से पूरी बातचीत मैडम व्हाट्सएप कॉल पर ही किया करती थी। शराब ठेकेदारों को उन्होंने साफ कह रखा था कि सिस्टम में रहोगे तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा, किसी ने सिस्टम ब्रेक करने की कोशिश की तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। 29 अगस्त को मैडम अपने दफ्तर में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार की गई। उस दिन रिश्वत देने पहुंचे शराब ठेकेदार से भी मैडम ने फोन अपने ड्राइवर के पास रखाया था। प्रमुख सचिव मैडम दीपाली रस्तोगी की महिला मंडल में से एक के कार्यकारनामे तो सामने आ गए, लेकिन शाजापुर जिला आबकारी अधिकारी मैडम निधि जैन, मंडला प्रभारी आबकारी अधिकारी सीमा दुर्वे कश्यप जैसे चर्चित नाम अभी भी विभाग में मलाईदार कुर्सी पर काबिज है। अब जिनके सर पर खुद बड़े आकाओं का हाथ हो, वो भला कहाँ छोटी खेल खेलते हैं। वे तो बड़ा हाथ मारने की ही फिराक में रहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सब छुपाए नहीं छुपता, और कोयले की खदान में काले बड़े हाथ सरेआम नजर आने लगते हैं। खैर, ये तो एक ही विकेट डाउन हुआ है। जिले में ऐसे कई अधिकारी हैं जो अभी भी विभाग पर कालिक पोतने और अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। राजधानी लाइफ पहले भी ऐसे कई अधिकारियों को चिन्हित कर उनकी पोल खोलता आया है, साथ ही आगे भी विभाग में बैठे अपात्र अफसरों को बेनकाब करता रहेगा। साथ ही इसके पीछे जुड़े बड़े नामों को भी जल्द ही खुलासा किया जाएगा।